हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम वृक्कों के विकार यानी कि डिसऑर्डर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे, कृत्रिम वृक्क अथवा हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे और वृक्क प्रत्यारोपण यानी कि किडनी और रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वृक्कों के ठीक प्रकार से भली भांति कार्य न करने पाने के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है और इस अवस्था को हम यूरेमिया कहते हैं। ये पहला रोग है जो वृक्क का हमें पढ़ना है। अगर किडनी या वृक्क पूर्णतः काम नहीं करते हैं या थोड़ा कम काम करते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तब किडनी में से एक्सक्रीटरी पदार्थ जो होते हैं और सॉल्ट जो होते हैं उनका जो निकलना होता है वो कम हो जाता है या नहीं निकल पाते हैं और इससे यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है और इसे हम यूरेमिया कहते हैं। यूरिया अत्यधिक हार्मफुल सब्सटेंस है, अत्यधिक जहरीला विषाक्त और पॉइजनस सब्सटेंस है जो सेल्स में इकट्ठा होने लगता है और इससे किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी काम करना बंद कर देती हैं। दूसरा है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर या किडनी फेलियर का मतलब क्या है कि जब किडनी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से काम कर नहीं कर पाती हैं सही से, तो इस अवस्था को हम रीनल फेलियर कहते हैं और इससे बॉडी से किडनी द्वारा उत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती, उत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है और सॉल्ट और एक्सक्रीटरी पदार्थ जो होते हैं वो बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं। तीसरा है जो नेफ्राइटिस यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें शोथ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। इससे जो पोर्स होते हैं ग्लोमेरुलस के वो चौड़े हो जाते हैं और आरबीसी और प्रोटीन जो होती है वो भी फिल्टर में आने लगती हैं, वो भी छनने लगती है। नॉर्मली प्रोटीन आरबीसी नहीं छनती है लेकिन इस अवस्था में वो छनने लगती है। चौथी डिजीज है वो है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स में क्या होता है कि रीनल ट्रैक्ट में यानी कि किडनी यानी कि वृक्क तथा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन के समान, पत्थरों के समान प्रेसिपिटेशन होने लगता है और इन्हें किडनी स्टोन भी बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, कभी कभी कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट भी उसमें उपस्थित होता है और ये नॉर्मली सामान्यतः है यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं हो पाती। अगर इनका साइज बड़ा होता है तो ये स्क्रीन यूरिन के साथ बॉडी से बाहर नहीं निकलती। इसके अलावा एक डिजीज़ मूत्रलता अथवा डायूरेसिस होता है। सामान्यतः एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन भी कहलाता है उसकी कमी से जो जल और इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका जो अवशोषण होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण अब ब्लड से जो वाटर होता है, जल होता है, वो निकलकर यूरिन में जो आने लगता है वो जो उससे ज़्यादा मात्रा में वो पास होने लगता है यूरिन की सहायता से, जिससे जल की कमी होने लगती है और बार बार यूरिनेशन होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो यूरिनेशन में सहायता करते हैं, अर्थात वो बार बार यूरिन प्रोड्यूस करने की, मतलब अधिक यूरिन प्रोड्यूस करने में सहायता करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी आदि, कैफीन, और इनको इसीलिए डायूरेटिक पदार्थ कहते हैं। इसी के साथ साथ एक डिजीज़ और होती है जिसे बोलते हैं हम डायबिटीज़ इंसिपिडस। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन की कमी होने से जल का जो अवशोषण होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अवशोषण होता है किडनी ट्यूब्यूल से वो कम हो जाता है, जिससे यूरिन की ज़्यादा मात्रा निकलती है, जल उसमें अधिक निकल जाता है और इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। एक और
डायबिटीज होती है, जैसे हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड से निकल कर जब यूरिन में पहुंचता है और यूरिन की सहायता से वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो कृत्रिम वर्क अथवा हीमोडायलिसिस है कि जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो बॉडी के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं और बॉडी से उन उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का काम आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस के द्वारा किया जाता है। इस मशीन को जिससे हम बॉडी से कृत्रिम रूप से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइजर कहलाता है, कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम ब्लड को साफ करते हैं, छानते हैं और उसमें यूरिया, उसमें से यूरिया और अन्य जो व्यर्थ पदार्थ है उनको निकाल कर अलग कर लेते हैं और उसके ब्लड को वापस चढ़ा जाता है जो साफ हो जाता है। जो इसकी डिटेल है, सबसे पहले ये वर्क जो करती है वो प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस पर करती है। इसका जो सिद्धांत है वो डायलिसिस का सिद्धांत है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि छोटे विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं, वो अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमियबल मेम्ब्रेन जो इसमें सेलोफेन यूज की जाती है उसके द्वारा उनका विसरण हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। इसमें किसी भी पेशेंट की जिसकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, ढंग से ठीक ठाक काम नहीं कर रही होती है, काम नहीं कर रही होती है, उसकी बॉडी में से ब्लड को निकाल कर आर्टरी से निकाल देते हैं और आर्टरी से निकाल कर उसको डायलाइसिंग यूनिट में भेजते हैं। लेकिन उससे पहले इस ब्लड को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, प्रतिस्कंदक मिलाते हैं जिसे हिपेरिन कहते हैं। अब हीमोडायलाइजर में सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक डायलाइजिंग तरल होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जिसमें सॉल्ट और सॉल्यूशन होते हैं, और उसकी जो सांद्रता होती है, कंपोजिशन होता है, वो प्लाज्मा के समान होता है, ब्लड के प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते हैं। पोर जो होते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन में जो छेद होते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको छानने का काम करते हैं कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट के कारण, अर्थात सांद्रता प्रवणता के कारण। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, एक्सेस साल्ट है, अधिकता में जो साल्ट होते हैं, अधिक मात्रा में HIN आदि जो होते हैं, वो ब्लड से निकल कर इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के पोर से निकल कर अलग हो जाते हैं और अब वो जो ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है, प्लाज्मा प्योर हो जाता है। अब इस ब्लड को जो प्योरीफाई किया, जो हमने साफ किया है, उसको अब गर्म करते हैं बॉडी के टेम्परेचर पर, जिससे बॉडी में जाकर ये कोई हार्म ना पहुंचाए। इसके बाद अब इसमें इसकी जो सांद्रता है उसको चेक करके बॉडी की जो सांद्रता है उसके समान बनाते हैं, समपरासरी बनाते हैं, आइसोटॉनिक बनाते हैं, और इसमें एक एंटी हिपेरिन को मिला दिया जाता है जिससे जो हिपेरिन का प्रभाव है वो समाप्त हो जाए, दोबारा से इसकी क्लॉटिंग जो प्रॉपर्टी है वो वापस आ जाए। और अब इसको रोगी के जो ब्लड है, रोगी का जो बॉडी है, उसको अंदर ट्रांसफर करते हैं एक वेन की सहायता से, जो नॉर्मली रेडियल वेन होती है। अब जो किडनी और रीनल ट्रांसप्लांटेशन, जब किसी व्यक्ति की किडनी पूर्णतः काम करना बंद कर देती है, तो एक सूटेबल उपयुक्त डोनर दाता को लेकर उसकी किडनी को निकाल कर उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। जो डोनर होता है, दाता होता है, नॉर्मली वो जीवित व्यक्ति से ली जाती है या कभी कभी ब्रेन डेड ऑर्गेनिज्म से ली जाती है जिसके ब्रेन डेड हो चुका है। नॉर्मली जिससे किडनी ली जाती है वो सगे संबंधी होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, और लेकिन कभी कभी जो अनरिलेटेड डोनर्स होते हैं, जो संबंधित डोनर नहीं होते, उनसे भी ले ली जाती है। उससे पहले, किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले,
उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, उसकी मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने के बाद अब उसकी किडनी को उसमें से निकाल कर ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे उसका जो नॉर्मल एक्सक्रीशन है, नॉर्मल उत्सर्जन है, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता, दोबारा होने लगता है और व्यक्ति अपना एक सामान्य जीवन जीने लगता है। लेकिन इसमें जो ड्रग्स का यूज़ होता है वो आगे भी होता रहता है जिससे वो इम्यून सिस्टम हमारा उसको रिजेक्ट ना कर दे, उसको बाहर मतलब अपने एक्सेप्ट कर ले और वो जो इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट ना कर दे जिससे वो बॉडी में आसानी से कार्य करती रहे। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।